बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क में गद्दारों को मुहिब्बे वतन बनाने की हवा चल पड़ी है। कल जिन्हें भारतीय एजेंट बनाया जा रहा था, आज उन्हें अपना अपना दिखाया जा रहा है। मुल्क के वसी तर कौमी मफाद में गद्दारी के सर्टिफिकेट हुब्बुल वतनी के तमगों से तब्दील किए जा रहे हैं। खुफिया मुआहिदों, डील और ढील का मौसम है, मगर ये सब के लिए नहीं है। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कुछ बोले हैं, मगर वो अरसे से अचानक बोलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, या उन्हें खामोश करा दिया जाता है। आज सिंध के शहरी इलाकों से ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ ये जो इम्तियाजी सलूक है, इसकी वजूहात जो है वो उससे वो बिल्कुल लाइल्म है, वो जानते नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उन्हें भाई करार दिया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों ने मासूम लोगों के खून से होली खेली उन्हें गले लगाया जा सकता है। पंजाब में जो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया उनकी लाशों के ऊपर खामोशी इख्तियार की जा सकती है, मगर जो कराची से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के, रॉ से ताल्लुक के इल्जाम और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सियासी नौयत के हैं, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी और जो रॉ के एजेंट का ठप्पा लेकर कराची के हजारों नौजवानों पर लगाने वाले जो है वो पलट कर दोबारा खबर लेने की जहमत गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। एहसानुल्लाह एहसान के लिए माफी की गुंजाइश है, तहरीक तालिबान के लिए माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो कराची या हैदराबाद के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। फिर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आज अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुजाकरात हलाल हैं, तो फिर कल एमक्यूएम लंदन से ये मुजाकरात जो हैं वो हराम कैसे हो सकते हैं। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अगर एहसानुल्लाह एहसान को माफ किया जा सकता है, अगर मासूम लोगों के जो खून से होली खेली गई उनके लोगों को माफ किया जा सकता है, तो फिर यही इल्जाम, ये इससे मिलते जुलते इल्जाम जो दूसरे लोगों पर लगे हुए हैं, तो उनके साथ जो है वो फिर तफरीक क्यों की जा रही है। ये जो दहशतगर्द है ये दहशतगर्द दहशतगर्द ही होता है, इसका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी नस्ल से हो, किसी रंग से हो, तो फिर अच्छे दहशतगर्द और जो बुरे दहशतगर्द और अपना दहशतगर्द और जो पराया दहशतगर्द है, इसकी जो तफरीक है, इसके नतायज दहशतगर्दों को पालने के नतायज, दहशतगर्दों को माफ करने के नतायज, दरगुजर करने के नतायज, या उन्हें दहशतगर्द बनाकर एक दूसरी सफ में खड़ा कर देने के जो नतायज हैं, वो ना माजी में कभी अच्छे निकले हैं ना कभी आइंदा अच्छे निकलेंगे। सेलेक्टेड एहतसाब, सेलेक्टेड इंसाफ, सेलेक्टेड मुजाकरात, सेलेक्टेड मुआहदे, सेलेक्टेड डील, सेलेक्टेड ढील, ये एक ऐसे सवालात हैं जिससे एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है। और ये एहसास महरूमी, ये जो एहसास जुल्म है, ये एक ऐसे जख्म की जानिब बढ़ रहा है और एक ऐसा जख्म मजीद गहरा हो रहा है जिसे फिर आप किसी मस्नूई मरहम से नहीं निकाल खत्म कर सकते। तो अगर पॉलिसी बनानी है तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसी पॉलिसी बनानी होगी। अगर माफ करना है तो फिर सबको माफ करना होगा। अगर सजा देनी है तो सबको एक सफ में खड़ा करना होगा। लेकिन ये अपने पराई की अगर आप तफरीक करते रहेंगे तो फिर मौका मिलेगा उन लोगों को जो इस किस्म के मौके की ताक में रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुजाकरात के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज एडमिट किया है कि उनके साथ बातचीत हो रही है और जो अफगान तालिबान हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर बात है। तहरीक लब्बैक ने वजीराबाद में जो अपना धरना था वो खत्म कर दिया है, उसको शिफ्ट कर गए रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद में। अंसारुल इस्लाम के खिलाफ जो पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था वो रेफरेंस जो है वो वापस मंगवा लिया गया है। एक और आवाज़ बुलंद हो रही है कि जी सिपाह साहबा के ऊपर से पाबंदी उठाई जाए, अहले सुन्नत वल जमात ने कहा है, और अगर कहा कि जी अगर नहीं उठाई जाएगी तो हम भी रोडों पर आएंगे। तो ये जो सारा माहौल है ये किस तरफ जा रहा है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ साथ अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद हो रही है और इत्तलात ये हैं कि एक और बड़ी तहरीक अदम एतमाद के लिए बातचीत हो रही है, बैकडोर रबते हो रहे हैं, और वो तहरीक अदम एतमाद हो सकती है मुमकिन तौर पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ, और उसके लिए पीपल्स पार्टी को कायल किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि वो अगर राजी होते हैं तो पहले मरहले में सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इन तमाम मौजूदात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, ज्वाइन कर रहे हैं पीडीएम के तर्जुमान मोहतरम जनाब सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, ये अब आप चूंकि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुजाकरात, बताया गया कि अफगान तालिबान फैसिलिटेट कर रहे हैं, पहले हमें बताते हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं,
इनसे कोई चीज नहीं हो सकती, एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, सोसाइटी को एक तरफ ले जाते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं जनाब अब मुल्क के वसीतर कौमी मफाद में जिन पे पाबंदी लगी थी वो हटाना जरूरी है, जिन्हें दहशतगर्द करार दिया था उन्हें मुहिब्बे वतन बनाना जरूरी है। ये इस कंफ्यूजन की सूरत हाल ने हमारा पहले भी बेड़ा गर्क किया है, अब आइंदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तारिक साहब, आपने एक इंट्रो दी और आपने बात की, और ये सुनने में आ रहा है कि आपने बात की, इस पे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी आज इस पे बात की थी। देखें, हमें पहले बताया जाता है कि ये जो है लोग दहशत गर्द हैं, और जहां तक तहरीक तालिबान की बात आप कर रहे हैं, तो जो बार बार इमरान खान साहब, बल्कि हम सब ये बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि जी हमारा जो वॉर ऑन टेरर में हमने जो कुर्बानी दी है, 75,000 80,000 लोगों की, 80,000 लोगों की शहादतें हुई, जिसमें सियासी जमात के कारकुन शामिल है, लीडरशिप शामिल है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शामिल है, पुलिस के नौजवान शामिल है, हमारे एपीएस के बच्चे शामिल है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे ये शामिल है। आज जो हुकूमत मुज़ाकरात करती है, ये क्या इख्तियार, क्या सदर और वजीर आजम और हुकूमत को किसने इख्तियार दिया कि आप उनके साथ बात करें? क्या इन्हें पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड इसके लिए है? क्या आप उन जो है बच्चों के वालदैन ने आपको इख्तियार दिया है कि आप जाकर किसी से भी, आपके कल कातलों, किसी भी कातल के साथ आप जाकर जो है मुज़ाकरात कर लें और आप कहें मैंने उनको माफ कर दिया और ये कर दिया? अभी रिसेंटली अगर आप देखें तहरीके तालिबान की, इसकी जब TLP की बात हो रही थी, तहरीके लबैक की, तो फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब कितने फ्रंट फुट पे थे और कह रहे थे हम इनके साथ देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, दुबई से इनके लिए पैसे आ रहे हैं, इंडियन एजेंट हैं, क्योंकि इनके पास SOP है, जो इनके साथ नहीं होता वो चोर होता है, डाकू होता है, गद्दार होता है, इंडियन एजेंट होता है, ये इनके जो है वो लकबात है जो ये लोगों को अपने मुखालफिन को देते हैं, और हम इनके साथ निपट लेंगे और हम इनको मतलब है कि आड़े हाथों लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरे में पता चला कि इनके वजीरान साहब तो उनके सामने लेट चुके हैं, एक आर्मी चीफ ने इंटरवेन किया बकौल तहरीक जो है वो लबैक के जो स्पोक्स पर्सन थे कि जी आर्मी चीफ ने इंटरवेन किया, हमें उलमा और मशायख विंग को भेजा, सियासी जमात के किसी भी बंदे को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत करके शाह महमूद कुरैशी को गद्दी ने कहा कि ये गद्दी नशीन है, इसको आप बीच में डाल दें, तो ये वो। और फिर उनके जो फिर जो है मौलाना मुनीबुर्रहमान साहब, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब, जो ये जिनका ये मजाक उड़ाते थे कि जी ये तो चांद कहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने इनको दिन के तारे दिखा दिए, वो आ गए। आज मुझे पता है फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी या शेख रशीद साहब ने दी थी, आज वो जो समरी गर्दश करके पूरे जो मिनिस्टर पे जो यूनो समरी जो पंजाब हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने तहरीक लबैक को जो है वो करा दिया कि ये बैन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इनके चौधरी जाज साहब कहते हैं जब रिजवी साहब रिहा होकर आएंगे तो मैं उनको गुलदस्ता लेके जाऊंगा और हम शायद इलेक्शन अलायंस भी साथ करें। अब हमें समझ नहीं आती कि हम इनके किस मतलब, वजीर आजम की बात माने, इनके वजीर बरा इंफॉर्मेशन की बात माने, इंटीरियर मिनिस्टर की बात माने, इनकी पंजाब की तंजीम की बात माने, किस किस की तंजीम की बात माने। देखें इन्होंने मतलब है कि ऐसे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, कभी एक बंदा इंडियन एजेंट होता है, अगले लम्हे जो है सही वो मुहिब्बे वतन हो जाता सही है। बिल्कुल तो आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने मुल्क का माशी तौर पर बड़ा गर्क कर दिया है, आप मुझे बताएं कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी में आप ये काम कर रहे हैं? कि आप कभी हमें कहते हैं जी, आप हमें कहते हैं जी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आपको अगर गलत इंफॉर्मेशन मिली है जिनके बकौल आप उनको एजेंट कह रहे थे इंडिया के या जो थी, क्या आपने उन लोगों को फारिग किया है? उन लोगों को सही। आपने उनके एहतसाब किया कि आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है जो आप बता रहे और हैं? इतना ये बड़ा तो इल्जाम फैसल साहब, एकदम किसी को आप जो है ना गद्दार बना दें और कह दें जी इंडिया की सपोर्ट है, और फिर अगले दिन जो है ना वो बिल्कुल खामोशी इंफॉर्मेशन बेस इन है, सब उन्होंने कहा हमें ठीक बिल्कुल इंफॉर्मेशन बड़ी, वो कहते हैं मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो ठीक आप हमें है बताएं कि जिसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी थी उसका क्या आपने किया? उसको क्या सजा दी है? ठीक बात हाफिज साहब। ये अब ये जो कुछ अरसा पहले तक जो हमें बताते थे कि जनाब ये है, फिर आलमी दहशतगर्द तंजीम और ये सब कुछ किया और इतने ताल्लुकात और भारतीय पैसा और ये सब कुछ, या वो गलत बताते थे या अब गलत हो रहा है, मतलब ये है क्या? हर थोड़े अरसे के बाद कोई खड़ा होता है कहता है जी ये माजी में हमने गलत किया, फलानी चीज ये गलत थी, फलानी चीज गलत थी, वो सही हो जाती है, थोड़े दिन बाद फिर पता चलता है जो ये था वो गलत था, ये क्या है? इतनी कंफ्यूजन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफिस साहब। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे फैसल भाई ने कहा, शेख रशीद जो वजीर दाखिला है पूरे मुल्क का, और फवाद चौधरी जो वजीर इत्तला'आत है, और साथ ताहिर अशरफी जो मजहबी उमूर अमांगी का एक मुआविन खसूसी है, जब मुज़ाकरात होने लगे फाइनल, तो
इन तीनों पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का मतलब ये कि इनको मजलिस से आउट किया गया। जब तक ये लोग मजलिस में होंगे, मीटिंग में होंगे, जो हुकूमत और तारीख़ रबई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, इन तीनों का नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, अपने आप को वजीर दाखिला कहते हुए वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। वजीर इत्तला'आत जो इतनी बोंके बड़ी बड़ी बोंक बोंक मारते थे, बोंकते थे, इसी तरह वजीर दाखिला भी, इत्तला'आत भी, वो भी नहीं है इसका हिस्सा। और मजहबी उमूर आमांगी जो एक बहुत बड़ा पार्ट है मौजूदा सूरत हाल में, उनको भी उठा दिया गया, बाहर भिजवा दिया गया। कम से कम इतना गैरत का मुजाहरा तो करिए। ये तीन इस्तीफादे कि हमने नहीं, जब मैं इस मामले में मुझे कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर जब दस्तखत होता है हाफिज साहब, अजीब बात यह है, जब माजे पर दस्तखत होता है फिर वही शेख रशीद दस्तखत करते हैं अंके बंद करके, वही मजहबी उमूर की वजीर दस्तखत करते हैं, वही फलाना दस्तखत करते हैं, फिर उसकी तर्जुमानी भी करते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही जी, तो आप बताइए, तो अब आप बताइए कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरी बात, ये मादा किसके साथ हुआ? ये टीएलपी और हुकूमत के दरमियान हुआ, यानी टीएलपी और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ, ये मादा टीएलपी और पिंडी के दरमियान हुआ? ठीक। क्या हुकूमत बाखबर है? मैं आपको यकीन से कहता हूं, वजीर आजम से लेकर शहबाज गिल तक इस मादे का किसी को भी पता नहीं है। ठीक। क्योंकि मादा तो लिफाफे में बंद है, लिफाफे में बंद है, उस पर मोहर सबत है, अंदर क्या लिखा हुआ है किसी को भी पता नहीं है। सही। वो कहते हैं कि घर के अंदर जूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। अच्छा। अब इस काम क्या करें? जहां तक ये बात है कि क्या हो रहा है, मुजाकरात हो रहे हैं, एक दिन दहशतगर्द, गुड बैड, अच्छे और बुरे, मसला ये एक ही फैसला करना होगा। और एक तो ये कि फैसला एक करना होगा जी, कि क्या कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द नहीं है। बात है। एक ये फैसला उनके लिए एक उसूल तय होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये उसूल किसने तय करनी है? क्या ये उसूल किसी ड्राइंग रूम में, किसी बेडरूम में, किसी मखसूस चारदीवारी में चार पांच बंदे बैठ के? नहीं, ये 22 करोड़ की आवाम का मुल्क है। ये उसूल पार्लियामेंट ने तय करनी होगी, पार्लियामेंट ने। क्या इतना हसास मसला, 10-12 पुलिस शहीद हुए, इसी तरह मुजाहरीन में से 10-12 शहीद हुए। आपको याद है अप्रैल लाहौर में यही कुछ हुआ जी? ऐसे ही क्या हुआ? क्या पार्लियामेंट को पता है? नहीं। ये जो मुजाकरात आज हुए, पार्लियामेंट को इसका इलम है? नहीं। तो फिर फैसले कहां होते हैं? कहां है जमहूरियत? सही। इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में आमिरियत है। आज भी आमिरियत की रूह इमरान खान की शक्ल में, इमरान खान की कैबिनेट की शक्ल में इस मुल्क पर मुसल्लक है। आप मुझे बताइए, अभिनंदन कौन था? ये मुल्क दुश्मन था या नहीं था? उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, अभिनंदन को चाय पिला के प्रोटोकॉल के साथ भिजवा दिया गया, खैर सा गाली के तौर पर। इसी तरह आपको याद है दो प्रेस ब्रीफिंग हुई, कहा गया पहले प्रेस ब्रीफिंग में कि सिर्फ अभिनंदन नहीं है बल्कि दो पायलट है, वो दूसरा कहां है? फिर तीसरी बात, कलभूषण कौन है? क्या कलभूषण को रियायत देने के लिए इस पार्लियामेंट में कानून साजिश नहीं हुई? ठीक ठीक, अभिनंदन देने के लिए, उनको एनआरओ देने के लिए? आप टीएलपी की बात करते हैं, एक दिन दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है, दूसरे दिन उनसे बात की जाती है, उसूल क्या है भाई? ठीक बात है। चीमा साहब, मीटर क्या है? जी मैं चीमा साहब से जवाब लूं। चीमा साहब, पैमाना क्या है? दहशतगर्द कौन है, मुहिब वतन कौन है, दुश्मन कौन है? ये जितने आपके सामने बैठे हैं पीपल्स पार्टी के बड़े हो, सही, वो तो अभी भी कहते हैं जी के बड़े हो, उनको गद्दार, फातिमा जना को गद्दार, मुफ्ती महमूद को गद्दार, हमारे आजादी मार्ग में हमारे अंसार उल इस्लाम को नरेंद्र मोदी और आरएसएस से मिला दिया। ठीक। ये फैसले कौन करते हैं, कौन दुश्मन है, कौन गद्दार है? चीमा साहब, ये फैसला कैसे फैसलों को, मैं एक जुमला, इस किस्म की कंफ्यूजन को, इस किस्म के मुतजाद फैसलों को, इस किस्म की मुनाफकत को हम जूते के नोक पे रखते हैं। रियासत इस तरह नहीं चलती, न 22 करोड़ आवाम की रहनमाई इस तरह होती। ठीक,
चीमा साहब, ये फैसला कैसे होगा कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? एक दिन कहते हैं रॉ का एजेंट, भारत से ताल्लुक, अगले दिन जो है ना वो मुहिबे वतन, फिर उनके साथ बातचीत, पहले अब ये TLP, अब TTP के साथ भी बातचीत हो रही है। इत्तलात ये है कि शायद उन्होंने भी कोई शर्त रखी है कि हमारे दो कमांडर्स को रिहा करें, फिर उसके बाद अब बहुत सारी चीजें हैं। जब आपको पता है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती तो कन्फ्यूजन ज्यादा होती है। फैसला किसने करना है कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? अच्छा, मैं कह रहा था कि देखें, इसमें वजीर दाखला मैं भी नहीं हूँ कि मुझे हर बात का पता हो, लेकिन बेसिक जो बात है कि देखें, अगर कोई भी बंदा, वो अंसारुल इस्लाम साहब की हमदुल्ला साहब बात कर रहे थे, वर्दी पहन के डंडा पकड़ के आ जाए, या कोई भी बंदा कि सड़क ब्लॉक कर दे, सड़क तरक्की की अलामत है, रोड तरक्की की अलामत है, पुल तरक्की की अलामत है, शहर तरक्की की अलामत है, उसको बंद करना, कारोबार या कारखाने को बंद करना, ये कोई भी अगर ये एक्शन करेगा तो वो मौलवी है या नॉन मौलवी है, वो आप कह लें कि लिबरल है या प्रोग्रेसिव है या मजहबी है, वो एक्शन जो है वो कभी भी रियासत को सपोर्ट नहीं करता, वो मुआशरे को जो बकाए बाहमी का जो असूल है उसको तोड़ देता है। मैं समझता हूँ इत्जाज भी लोग कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसकी लिमिट है। मुज़ाकरात की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इत्जाज की बहरहाल लिमिट है कि किसी भी जगह जो सिंबल है जहां से वो ज्यादती हुई है उसके सामने जाकर बैठ जाए, वो आप कहने के सोशल मीडिया पे करें, TV पे करें, लिख के करें, तकरीर पे करें, लेकिन बहरहाल रोड ब्लॉक करना, फिर 10-10 दिन ब्लॉक करना, शहर बंद कर देना, मुल्क को होस्टेज कर देना, ये जो भी करेगा वो उसे आप कह लें कि उसे कोई नेक नहीं कहा जा सकता। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नाम पे करे, वो आप कह लें कि दीन के फैलाव के लिए करे, वो जमहूरियत की सर बुलंदी के लिए करे, वो किसी भी काम के लिए करे, ये नहीं हो सकता कि आप 15-15 दिन 10 दिन बैठ के मोटरवे बंद करते हैं, जीटी रोड बंद करते हैं और कहें कि जनाब आपको कहा जाए कि आपने कुछ नहीं किया। फिर जो आप कह रहे हैं कि 3-4 हजार बंदा हमारे मदरसों में लाना, उनको वर्दी पहना के इस्लामे कराते करना, ये भी कोई सियासी कमतरी तो हो सकता है, ये कोई तबकी का लहजा हो सकता है, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई जमहूरी एफर्ट नहीं है। हमदुल्ला साहब पगड़ी बांध के आते हैं, कपड़े पहन के आते हैं, तो इनके आने से भी उतने ही मतलब एहतजाज होता है जितना कि किसी आप मतलब आप कह रहे हैं कोई बंदा आ जाए, पैंट पहन के आ जाए, टोपी पहन के आ जाए, लेकिन वर्दी पहन के आना एहतजाज में, ये कहीं मैं समझता हूँ। सवाल ये, एक दिन आप कहते हैं दहशतगर्द हैं, इंडिया के एजेंट हैं, वहां से फंडिंग आ रही है, और उसके बाद अगले दिन जो है ना वो सब चीजें मुहिबे वतन हो जाते हैं, तो कौन सी लॉन्ड्री है जहां से ये धुल के साफ हो जाते हैं लोग? नहीं देखें, मैं इसमें कहता हूँ कि देखें, इसमें पहले जो मजहबी जमातें हैं इनका, या मजहबी तबका है, इसका काफी बड़ा तबका है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली फजल रहमान साहब की पार्टी हो या मुफ्ती महबूब साहब, क्या नाम है ये, नूरानी साहब की पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, सारे थोड़े कॉर्नर हुए हैं, जिसे कहते हैं ना एक मार्जिनलाइज हो गए, इनका कोई स्वाद आजम नहीं रहा, पॉपुलर सियासत में नहीं रहे, आउट हो गए। सो एक गैप है, एक गैप है, तो आप कह लें कि अगर कोई तबका उसमें खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की तरफ चला जाए, तशद्दुद की तरफ चला जाए, तो उससे बेहतर है कि वो आगे पॉलिटिकल जिद्दोजहद कर ले। पॉलिटिकल जिद्दोजहद में बहरहाल आज देखें ना, आप कह लें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मजहबी भी, वो भी तशद्दुद उस तरह नहीं करती जिस तरह के आप कह लें ये तरीके लबैक ने, ये 5 जगह पे इन्होंने जो सख्त रवैया अपनाया, ये इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। मैं समझता हूँ कि इस बात को एनकरेज किया जाना चाहिए कि रियासत का खुदा खासा का छोटा मोटा नुकसान भी हो जाता है या थोड़ा एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, तो जो मजहबी तबका है, मजहबी तबके को गुंजाइश देनी चाहिए कि वो सियासत में आए। वो तो आप मजहबी तबका नहीं कह रहे थे ना चीमा साहब, उनको तो भारतीय एजेंट कह रहे थे, उनकी फंडिंग पे पलने वाली पार्टी कह रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने ये जो बातें की ये ठीक नहीं थी, आप इस समझते? देखें इसमें दो, यहाँ पे दो, कुंडी साहब ने एक बात की और एक फजल क्या नाम है हमदुल्ला साहब ने बात की। ये कहते हैं जी फजल, देखें फवाद चौधरी फलाना कहते हैं, एजाज चौधरी फलाना कहते हैं, और शेर शी साहब फलाना बात करते हैं, वही बिलावल साहब और जरदारी साहब मुख्तलिफ बात करते हैं, हर रोज मुख्तलिफ करते हैं, वो एक फैसला करके जाते हैं, वो पीछे से चाबी मरोड़ देते हैं और वापस कर लेते हैं फैसला। ये आप कह लें कि ये तीनों तो डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन बिलावल साहब चेयरमैन है और वो चेयरमैन और चेयरमैन जो है, और बाप और बेटा जो एक घर में रहते हैं, वो दोनों बाहर आके बयान मुख्तलिफ देते हैं, दोनों काम मुख्तलिफ करते हैं, एक फैसला करके जाता है, दूसरा वापस ले लेता है। वो आप तो ये कह रहे हैं कि पोजीशन में नहीं है कुछ है। हमारे तो लोगों की राय है ना जी, एक एजाज चौधरी का अपना एक बैकग्राउंड है, फवाद चौधरी का अपना बैकग्राउंड है, वो उसका लिबरल बैकग्राउंड है, उसका अपना लिबरल बैकग्राउंड का ये मतलब तो नहीं है ना आप इनको इंडियन एजेंट कह दें चीमा साहब किसी को?
नहीं, मैं कहता हूँ इंडियन एजेंट वाली बात देखें, फ्रेंकली मैं बताता हूँ, इंडियन एजेंट वहां 10,000 बंदा बैठा था, 12,000 बैठा था, उसमें जरूर इंडियन एजेंट भी मौजूद थे और उसमें बड़े बड़े नेक लोग भी मौजूद थे, ज्यादातर नेक लोग थे, ज्यादातर मासूम लोग थे। अच्छा, यानी ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई इंडियन एजेंट नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई पैसे इंडिया से नहीं आए हुए थे। ये जब बड़ा बड़ा कोई चीज बड़ी होती है और उसमें थोड़ा तशद्दुद का अंसर आ जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, वो बेस्ट लम्हात होते हैं, मतलब बेस्ट लम्हात उसमें शामिल होते हैं। ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चले, जरदारी साहब वाली बात तो कुंडी साहब से पूछता हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब कोई कमेंट करना चाहते हैं वो कर ले पहले। जी देखिए, मैं अफसर साहब में बात करता हूँ, वो चीमा साहब कहते हैं कि रोड बंद करना, रोड ब्लॉक करना, डंडे उठाना, वर्दी पहनना, फिर मुझे बताइए आपकी टाइगर फोर्स कहाँ से आया, वर्दी और डंडा ये कहाँ से आया? इसको भी बैन होना चाहिए ना। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए ना, मैं देखिए, डंडा उठाना, रोड बंद करना, आपने तो रोड भी बंद किया, आपने पार्लियामेंट पे भी हमला किया, आपने पार्लियामेंट को दुबिगाट बना दिया, आपने बड़े बड़े क्रैन खड़े होकर पार्लियामेंट को उकाड़ने की कोशिश की, तुमने तुमने पीटीवी सेंटर में घुस के आज का सदर, आज का वजीर आजम जो आप उनको मानते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा भी है। क्या ये है जमहूरियत? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें नहीं लटकाए? ये है जमहूरियत? क्या आपने चुने जो नामे अफसर को जदकोब नहीं किया? क्या आपने सजाएं नहीं दी चौक पर? तुमने क्या नहीं किया? मारो, जलाओ, गिराओ, आग जला दो, ये किसने किया? आज के वजीर दाखिला ने किया? ये है जमहूरियत? चले, आपको तो दहशतगर्द होना चाहिए, आपके उसूल के मुताबिक, आपके उसूल के मुताबिक, आपके उसूल के मुताबिक जो अभी आप कह रहे हैं, आप वो कराची में जो पूरा कराची 16 तारीख को फैसलाबाद बंद होगा, 17 तारीख को लाहौर बंद होगा, फलां तारीख को पूरा मुल्क बंद होगा, ये है जमहूरियत? चले हाफिज साहब, कुंडी साहब मैं जवाब लेना चाह रहा था, मगर मैं ब्रेक ले लूं ताकि आपसे तफसीली जवाब जो है ना वो ले लें, वक्फे के बाद आते हैं तो कुंडी साहब की तरफ गुफ्तगू लेते हैं। वेलकम बैक नाजिम, फैसल करीम, कुंडी साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, जमशेद चीमा साहब मेरे मेहमान है। कुंडी साहब, एक तो आज खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि जी वो सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, इशारा था कि पीडीएम में वापसी हो सकती है, इसका जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये कि आज अपोजिशन का बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, ये इत्तलात हैं कि शायद कोई ऐसी मूव हो रही है कि पहले मरहले में सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए और पीपल्स पार्टी को राजी किया जा रहा है इस मामले में? देखें, पहली बात तो यह देखें कि चीमा साहब ने कहां की बात कहां कर दी। चीमा साहब कहते हैं कि जी बिलावल साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी साहब दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। आप मुझे बताएं कि मुल्क के, पूरे मुल्क के जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इस हुकूमत के जो है वजीर इत्तलात, इस हुकूमत के वजीर दाखिला, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसको उन्होंने क्या कह दिया कि उनकी जाती राय शायद हो सकती है और जो है बाकी पार्टियों, क्या क्या आपकी आपकी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है तहरीक लबैक पे, क्या इशू है? आपके वजीर दाखिला एक बार कह रहे हैं कि मैं इनके साथ, हम देख लेंगे इनके साथ, वजीर इत्तलात कहते हैं हम देख लेंगे, और दूसरे लम्हे जो है आजकल तो वो नजर भी नहीं आते, वजीर दाखिला साहब काफी अरसे से स्क्रीन से आउट हैं। अब बताए ना कि आपने जब हमें बताया था और एक मतलब बता रहे हैं कि हमें बड़े जो है मतलब एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये ऐसे हैं, और उसके बाद आपने 21 करोड़ आवाम के साथ टीवी में बैठ के आप मतलब 21 करोड़ आवाम को आप फेक न्यूज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी, अब ये कह रहे हैं कि उनकी जाती राय हो सकती है, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। और हमारी पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि हमने कभी एक चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजारी साहब ने कहा कि नहीं चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट नहीं और ये जो है मेरी स्टेटमेंट, ये कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। ये आप इस चीज को जो है इस चीज में न लें, आप अपना जवाब दें कि तरीके लब्बे को जो आप कह रहे थे कि मुल्क के गद्दार हैं और ये है और आज कह रहे हैं मुहिब वतन है, आप नहीं कह रहे, आपको कहा गया क्या पैसे कहें और फिर आप लोगों ने कहा, और वही शेख रशीद जो है आज फिर दस्तखत भी कर रहा था, मतलब है कि नौकरी करनी है तो फिर तो ये काम तो करना पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैंबर में, बिल्कुल आज अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है, हमेशा शहबाज शरीफ साहब के चैंबर में एक मुश्तरका पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का अमल बनता है, उसमें तमाम अपोजिशन की जमातें शिरकत करती हैं, हम बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट के अंदर। जहां तक आप खुर्शीद शाह साहब की बात करें, बिल्कुल खुर्शीद शाह साहब जो है हमारे बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और अभी जो है वो जो है
इनकी चीमा साहब की जो जिस तरीके से चीमा साहब की हुकूमत ने उनको जेल में डाला हुआ 2 साल, उनकी 2 साल से भी ज्यादा, और आज मतलब है कि उनकी जमानत हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका एक बहुत पुराना ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप के साथ और उनके लोगों के साथ वो मिले हैं। उन्होंने हमने तो हमेशा कहा है, हमने तो हमेशा रिकॉन्सिलेशन की सियासत की है, हमने हमेशा जो है डायलॉग्स की सियासत की है। हम तो अभी भी अगर हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन बाकी अपोजिशन जमातों के लीडरान के साथ हमारा एक डायलॉग्स है, हमारे बातचीत भी होती है, हम बात भी करते हैं। पीडीएम अपने दरवाजे खोले तो आपको भी जाने में कोई हर्ज नहीं है? नहीं, ये देखिए अभी ये चीज इशू डिस्कस ही नहीं हुआ कि पीडीएम दरवाजे खुले या हमने जाना है। हमने, हमारे लीडर ने ये नहीं कहा कि मैं अगर फला जमात के साथ बैठूंगा तो मैं मुनाफिक हूँ, मुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा था एमकेएम के हवाले से और पीएमएलएनक्यू के हवाले से, और पहले ही दिन उनके साथ बैठ गए थे। तो ऐसी किस्म की देखें स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिसपे आपको दोबारा शेख रशीद के मुतल क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या क्या चीजें दी थी वो सबके सामने है। और आज देखें, आज इलेक्शन कमीशन भी कह रही है जिस तरीके से इन्होंने डस्क के इलेक्शन में धांधली की है, हक तो ये था कि आज जो है ये जो है उन लोगों को आज जो है उनसे इस्तीफे तलब कर दे, उनको फारिग कर देते, लेकिन आज तक इन्होंने फारिग नहीं किया। पेंडोरा जो है स्कैंडल किधर चला गया जब इनके नौरतन उसके अंदर शामिल थे, सादिक संजरानी साहब वाले मामले पे तरीके दम एतमाद कोई? हाँ, देखें अभी इसकी जो है इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो है हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमारा केस चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वहां पर जो है हमारी जीत होगी, हक की फतह होगी। हम उस हवाले से हम इंतजार में थे कि उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तो हमारे दरवाजे, हम तो आज भी कहते हैं जिस तरह से पता नहीं कब उसका रिजल्ट आएगा, इसमें तो कहते हैं नंबर यहां तो आपके जी। आज भी गालिबन जो है कहा गया है जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका फैसला जल्दी किया जाए, डिले ना किया जाए। और हम आज भी कहते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में हाफिज साहब की जमात ने और बाकी अपोजिशन जमातों ने तरीके दम अदमात में हिस्सा लिया, और मतलब है कि अदम अदमात के हिस्सा थे, हम इस तरह कहते हैं कि पंजाब में भी और मरकज में भी अगर हम सब अपोजिशन जमातें जिस तरह हमने गिलानी साहब को सेंटर बनवाया था, इस तरीके से अगर हम दोबारा मेहनत करें तो हम अदम अदमात की तहरीक बिल्कुल कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। ठीक, मेरे भाई चीमा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे मतलब है उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। आज उन्होंने देखे इलेक्शन से भागने का क्या तरीका किया कि अपने प्रोबोल सेकेंडर किसी और जगह से ढूंढ लें ताकि मेरे टेक्निकल हाथ हो गया चीमा साहब का, क्या हाल होता है, इलेक्शन नहीं लड़े लोगों ने, यूनिकौसल के इलेक्शन लड़े होते हैं, उनको पता होता है कि मैंने क्या करना होता है। तो ये देखें जो महंगाई और बेरोजगारी हो रही है, इस तरह देखें बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो भी इनके पीछे थिंक टैंक था उन्हें बड़ा अच्छा मशवरा इनको दिया। ये चीमा साहब आप इस पे पहले दे दें, मैं हाफिज साहब की तरफ जाऊँ। कहते हैं जी आपने जो है ना जान बचाने का रास्ता निकाला है और आप टेक्निकल तरीके से निकल गए। मैं वाकई पीपल्स पार्टी के 2000 वोट से डर गया था। नहीं, वो पीपल्स पार्टी से नहीं थे, आप मेरे जोर से डरे नहीं। आपका जो थिंक टैंक है जिसने आपको मशवरा दिया इलेक्शन से भागने का ना, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, उसको आप जो है कोई इनाम देगा। मैं आपके 2-2.5 हजार वोट से डर गया था जी। अच्छा, मैं वो तो हमें पता है, हमारे हमारे 2.5 हजार आपको 200 भी नहीं मिल रहे थे। यहाँ गेल साहब खड़े हुए, मैं उनसे डर गया था जी। बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा भाईजान, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से भागने का जो तरीका है ना आपके पास, वो किसी के पास भी नहीं। किस तरीके से आप भागे चीमा साहब? कहते हैं रास्ता, वो कहते हैं रास्ता निकाला है आपने इलेक्शन से साइड होने का जी। मैंने इनकी बात मान ली है, मैं इनके वोटों से डर गया। अच्छा, हाफिज साहब ये तहरीके अदम एतमाद सादिक संजरानी साहब के हवाले से और पंजाब में भी, क्योंकि फैसल साहब ने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान में हलाल है तो मरकज और पंजाब में हराम क्यों है? देखिए ऐसा साहब, बात यह है कि जहां तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान में वाकई अदम एतमाद की तहरीक पहले अपोजिशन ने मूव किया, ठीक, लेकिन वो स्पीकर के चैम्बर या वहां गवर्नर के यहां से उनको किल किया गया, वो अपने हालत पे वो खत्म हो गई। और फिर उसके बाद जाम कमाल साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी बाप के तकरीबन 14 अराकीन ने, पार्टी के असेंबली के अराकीन ने, उन्होंने तारीख आदमी इतमाद मो की। फिर नतीजा कहां तक पहुंचा जो आपके सामने है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी पार्टियां अपोजिशन में थी तो क्या अपोजिशन तालियां बजा के कदूस बिजिंजो के आने पर जिंदाबाद और जाम कमाल के जाने पर मुर्दाबाद? अपोजिशन का काम यह है कल इमरान खान के खिलाफ फर्ज करे पार्टी के अंदर तहरीक आदम इतमाद मूव होती है तो क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन जो है इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या उनको इनकी हुकूमत को गिराएंगे? तो जब वहां बलूचिस्तान में जाम कमाल के खिलाफ अपनी पार्टी बसरे पेकार है उनके खिलाफ, क्या अपोजिशन अभी जाम कमाल को सहारा दे? लेकिन जहां तक अपोजिशन की जमातें हैं वो आज भी अपोजिशन में है।
आज भी वो हुकूमत पीपल्स पार्टी से बात हो रही है हाफिज साहब, आपको पीपल्स पार्टी से जहां तक पीपल्स पार्टी से बात है, मुझे ऑफिशियली तौर पर अभी तक कोई इतला नहीं है, बेशक एक स्पोक्समैन पीडीएम का के बात हो रही है या नहीं हो रही है। 11 नवंबर को फिर पीडीएम का सरबराही इजलास है, अगर बातों की कहीं ना कहीं वो है तो फिर पीडीएम के इजलास में वो बताएंगे मौलाना साहब के साथ। दूसरा हाफिज साहब, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं दिसंबर में, तो फिर पीपल्स पार्टी कह रही है जी वो इस्तीफे किधर गए, पिछला लॉन्ग मार्च तो इस वजह से नहीं किया। मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक बात की वजाहत करूं, लॉन्ग मार्च भी है ऑप्शन में, जैसे कि 26 रुकात में तहरीक एहतजाज और इस्तीफों का, आज भी इस्तीफों का ऑप्शन है, आज भी लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। 11 नवंबर को ये डिस्कस हुआ है इस्तीफे, ठीक के बाकायदा डिस्कस हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तमाम ऑप्शन मौजूद है। तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि इस लॉन्ग मार्च के साथ ही जो है वो आप इस्तीफे भी जो है ना वो लेके इस्लामाबाद आए। मेरी बात सुनिए, ताश का पत्ता आप वहां इस्तेमाल करेंगे जहां करामत साबित होता है, ठीक। लिहाजा जब वो पीडीएम की सरबराही इजलास में सरबरा बैठ के फैसला करेंगे कि कौन सा पत्ता कहां इस्तेमाल करना है मौके की मुनासबत पर, तो उसी वक्त पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन मौजूद है। चलें चीमा साहब, ये ताश के पत्ते इस्तेमाल करेंगे हाफिज साहब, वो कहते हैं मौके की मुनासबत से, और इस बार वो पीडीएम कह रही है हम बचने नहीं देने हैं हमने आपको। देखें हमें तो सच्ची बात है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो ऑनेस्टली एक बात करता हूँ कि ये कोई सोशल सर्विस है, हुकूमत सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस अगर ये करें तो मतलब इशू ही कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं उसके बाद ताश वाली बात तो ठीक है, चेस वाली खेल खिलवाड़ वो तो ठीक है बात है कि ये करते हैं बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन खुदा रहा को आवाम का भी देख लें, कहते हैं आवाम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया ना, महंगाई चीजें ये इस वजह से, तो कहते हैं हम आवाम के लिए तो निकल रहे हैं बाहर, अवाम के लिए अगर निकले तो आज सिंध में इनको जाना चाहिए। आज हाफिज साहब एक मिनट देखें, अगर अवाम के लिए है तो अवाम देखें जो जितनी चीजें मरकज की हैं, जितनी चीजें मरकज की हैं वो पेट्रोल हो वो गैस हो वो कोई और चीज हो, उसकी सारे सूबों में एक ही कीमत है, जितनी चीजें सूबों के हाथ में है, वो चीनी हो वो आटा हो वो दूध हो वो कुछ और हो, वो सारी की सारी सिंध में महंगी है, और महंगी भी है 25 से 30%। लेकिन आज तक मजाल है हाफिज साहब से या मौलाना फजल रहमान साहब के या आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर के मुंह से निकला हो, भाई वहां 5.5 करोड़ लोग रहते हैं सिंध में, भाई इतने सोतीले लोग हैं कि आप उनका जिक्र ही नहीं करते, आप वहां से वोट भी लेते हैं, आप उनको बाकी तीन सूबों में, चीमा साहब बाकी तीन सूबों में पंजाब में बलोचिस्तान वहां तो आपकी हुकूमत है, केपीके में आपकी हुकूमत है, उधर क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि सादा सी वही बात मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में देखें आज भी आटा 55 रुपए किलो है, सिंध में 80 रुपए किलो है, पंजाब में आटा है दूध 110 रुपए किलो है, 5 से 30 रुपए किलो है, और फिर अगर चीनी की बात कर लें तो पंजाब में आज भी आपको मेजर चीनी मिलेगी 90 रुपए में, 150 रुपए, ठीक। सो बेसिकली आप महंगाई का जिक्र नहीं करते, इतनी बड़ी महंगाई कुंडी साहब, आपके सूबे में 25 से 30% जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 25 से 30% ज्यादा महंगाई है, चीमा साहब कह रहे हैं जो चीजें सूबे के जिम्मे कराची में 25 से 30% महंगी है। कुंडी साहब अगर शॉर्टली कमेंट करते हैं, ब्रेक पे जाने मैंने। हाफिज साहब अब मुझे बताएं कि 21 करोड़ आवाम के सामने अगर इस किस्म से डिटाई से झूठ बंद बोले पीटीआई वाले तो मैं क्या कर लेना, मुझे बताएं कि क्या पता कर लेना कौन ठीक है। अब मुझे बताएं कि इन्होंने पेट्रोल पीपल पार्टी ने महंगा किया, गैस हमने महंगा किया, ऑनलाइन फोन करें पता लग जाता है। चले मैं कुंडी साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक का फोन करें कि मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुंडी साहब से फिर जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाजीन, लास्ट सेगमेंट है वक्त का। मैं कुंडी साहब एक तो आप कमेंट कर लें जो ब्रेक पे जाने से कबल हुआ था, और दूसरी बात है कि अब जो अपोजिशन मोमेंटम बना रही है वो माजी के मुकाबले में किस तरह मुख्तलिफ होगा और वो कितना इफेक्टिव होगा? देखिए मैंने कहा कि कम से कम अगर एक चीज आप मुल्क के ऊपर ये एहसान लोगों के पास नहीं कर सकते, आप चीजें सस्ती नहीं कर सकते हैं, तो ये आप चीजें छोड़ दें कि जी फलाह ने कर दी है, माजी का तोहफा है, आपने 3 सालों में क्या किया? वो कहते हैं जी फोन करके पूछ लें कराची जाके। अब मैं आपको कौन फोन करके बताता है? आपको वो शख्स फोन करके बताता है जो आपका गवर्नर है, जिसको ये पता नहीं है कि लियाकत अली खान के वो पिंडी में कत्ल हुए थे या कराची में हुए थे? आप उनसे इन्फॉर्मेशन अपनी लेते हैं? ये हाल तो ये है आप लोगों के वहां पर नुमाइंदों का, फिर आप कहते हैं कि जी फोन करके पूछे। आप क्या हमने तेल महंगा किया, क्या हमने बिजली महंगी किया, क्या हमने गैस महंगी किया आपके लिए? आप ये चीजें जो रात की तारीकी में जो है
आपके मौसम हमला नहीं करते, आपके दुश्मन आपके ऊपर हमले करते हैं रात की तारीखी में, आपकी रात की तारीखी में जो इसके क्या क्या करते हैं। जहां तक जो है अपोजिशन का है, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी महंगाई के खिलाफ ऑलरेडी तहरीक शुरू की हुई है। हमने अपने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ अजला में हमने तहरीक शुरू की है। बिल्कुल इसको मोमेंटम को हम फेस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अपोजिशन एक पेज पे हो और हम इस हुकूमत के खिलाफ जो है, देखें अर्ली इलेक्शन के दो तरीकेकार हैं, जमहूरी तरीकेकार, या तो यह कदम एतमाद की तहरीक हो या हुकूमत अर्ली इलेक्शन अनाउंस करे। हुकूमत का तो मैं नहीं रखता कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो, अव्वल और आखिर अपोजिशन जमातों को बैठना पड़ेगा और अदम एतमाद की तहरीक लानी पड़ेगी और इस हुकूमत से जान छोड़नी पड़ेगी। हाफिज साहब, क्या मोमेंटम अब जो नजर आ रहा है और कितना इफेक्टिव नजर आता है? फैसल साहब कहते हैं बैठना पड़ेगा, तहरीक अदम एतमाद से जाएगी हुकूमत। देखिए हाफिज साहब, बात यह है कि तकरीबन अभी पौने चार साल होने को है इस हुकूमत की, महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली गैस पेट्रोल, इनके लीडर ने कहा कि मैं चीजें निकालूंगा और जरूर निकालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप आज 22 करोड़ की आवाम की चीजें निकल रही है, आप खुद देखिए रुल रहे हैं वो, उन्होंने ये वादा तो पूरा किया है। अपोजिशन बैठेगी, हाफिज साहब इफेक्टिव होगी। अभी 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 अपोजिशन ने फैसला किया है, पूरी कौम को मुखातब करके अपोजिशन कह रही है कि दो चीजों में से एक का इंतखाब करना होगा। क्या आपको इस मुसल्लत करदा शुदा हुकूमत इमरान खान की शक्ल में, जो एक मुसीबत और आजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कोविड-18 की सूरत में, ये पसंद है या पाकिस्तान आपको पसंद है या अपनी जिंदगी पसंद है? ये कौम ने फैसला किया करना होगा। पीडीएम फैसला कर चुकी है, वो रोडों पर है, 13 नवंबर को कराची में और 17 नवंबर को क्वेटा में, 20 को पिशावर में, उसके बाद लाहौर और लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। दिसंबर के आखिर में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद होगा, इस साल के आखिर में ये 11 नवंबर को, अभी जो 11 नवंबर आ रहा है दो दिन बाद सरबरा इजलास होगा, उसमें बहुत बड़े अहम फैसले होंगे। उसमें डेट भी अनाउंस करेंगे हाफिज साहब 11 नवंबर को लॉन्ग मार्च, ये सरबरा इजलास में बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है चीमा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सिंपल सी बात है कि देखें इनका मौकफ नहीं है, कोई भी मौकफ नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि कोई नजरिया नहीं है। सच्ची बात है, अगर ये महंगाई के खिलाफ आते हैं तो सबसे पहले कराची के पास जाना चाहिए, वहां पे महंगाई का इस वक्त महंगाई तो सारे पाकिस्तान में है, लेकिन जो 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 एक्सट्रीम महंगाई है, जो जिन जो चीजें सारे पाकिस्तान में सस्ती हैं वो कराची में सबसे ज्यादा महंगी है। लिहाजा वहां से अगर बात करें तो हम भी समझें कि वाकई ये आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर इससे अदरवाइज है तो फिर बेसिकली ये तो मतलब मैं तो बोलता नहीं, मुनासिब नहीं है ना, बस ये मुराफकत है, फिर और क्या है, झूठी है और क्या है। कहते हैं पाकिस्तान बचाना है तो आपको घर भेजना होगा, फिर सब कह रहे हैं घर पाकिस्तान बचा ले, फिर ताश है, चेस है, खेल है, जो भी उसका नाम रख लें, फिर यही है। फिर आप कह लें कि ये कोई कौम की राहबरी नहीं है, कौम का दर्द नहीं है, कौम के साथ नहीं है, कौम की नुमाइंदगी खेल है। कुंडी साहब लास्ट सेंटेंस दे दें, आपकी मुस्कुराहट की वजह से मैंने कहा आपसे मैं आखिरी सेंटेंस ले लूं। कहते हैं सबसे सबसे सस्ता जो है वो सूबा पंजाब है, और मैं फिर कहूंगा कि पंजाब में इलेक्शन था और सीमा साहब ने भाग गए, अगर सस्ता था तो इलेक्शन लड़ लेते। वो कहते हैं वो आपके वोटों से घबरा गए, हमारे वोटों से घबराए, इनको पता चल गया था कि महंगाई की वजह से ये आवाम में जा नहीं सकते थे, ये इसी वजह से जो है अगर सबसे सस्ता सूबा पंजाब है ना तो इलेक्शन लड़ लेते, पता चल जाता है। पता चल गया कुंडी साहब, मैंने 15 दिन काम करके रिजाइन किया था, 15 दिन काम करके रिजाइन किया था, आप कह लें कि मैंने सोच समझ के रिजाइन किया था। आप मुझे आज भी इजाजत ले दें, मैं आपको हरा के दिखा दूंगा। और आपने जो आपका तरीका होगा, आपने जो तरीका अपनाया पाकिस्तान में किसी के पास वो वायद आपके पास ही था। अच्छा चले, ये फिलोसफी आपके पास थी, आप इजाजत ले दें और उनको कहें इतराज वापस ले लें। मैं आप अपना आप सही फॉर्म से फील करते हैं, इजाजत होती। चले चीमा साहब आफिज अब्दुल्ला साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।